कल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का ले रहे हो, उसका एक केस डिस्कस कर लिया था, उसमें बेस्ड एग्जांपल भी किया था। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इसी का हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड केस में आपके पास क्या हो सकता है कि इस तरह से आ जाए इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, लिमिट लगा देंगे जी वन टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर चेंज करेंगे टी वन टू बी एफ डी एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू आ गई आपकी फाइनाइट नंबर तो उस केस में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू आई इनफाइनाइट तो उस केस में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है बच्चों माइनस इनफिनिटी टू जीरो, ये है आपके पास माइनस इनफिनिटी टू जीरो एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे टी वन से, टी वन या टी कोई भी कॉन्स्टेंट, और फिर लिमिट लगा देंगे उसमें, लिमिट T1 वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और उसकी जगह पे T1 वन टू जीरो और F की जगह पे है x बाय वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, ये है आपके पास, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना तो 11 12th का काम है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना तो 11 12th का काम है ना, तो इंटीग्रेशन को सोल्व करो, सोल्व करके लिमिट अप्लाई कर दो टी वन टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर जो ये टी वन है ना वो जीरो से छोटा है कोई भी नंबर, चलो करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में है बच्चों आवाज नहीं, डिनोमिनेटर में क्या है वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब वन प्लस एक्स स्क्वेयर है तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा टू एक्स डी एक्स है ना, और वो न्यूमिनेटर में दिख रहा है अगर टू भी आ जाए तो आप क्या करो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, उसके बाद तो डायरेक्ट आ गया। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर पा रहा तो क्या करो पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी पुट कर देती हूँ क्योंकि टी वन मैंने ले लिया है पहले, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट चेंज करोगे तो जब आपका x है t1 तो उस केस में इफ x इज इक्वल टू t1 देन v क्या आएगा बताओ, वन प्लस t1 स्क्वायर, और जब आपका x है जीरो अपर लिमिट तो उस केस में v क्या आएगा बच्चों वन प्लस जीरो स्क्वायर वन, ये आ गई। अब की बार जो लिमिट चेंज होंगी वो वन प्लस t1 स्क्वायर टू वन हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद करो सोल्व क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट टी वन टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, जब टी वन है तो वन प्लस टी वन स्क्वेयर और यहाँ पर वन, और अब ये चेंज किया तो हमने डी वी और ये आ गया टू इसकी जगह पे वी पुट कर, ठीक है, ये आ गया। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो है जी लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इनफिनिटी और यहाँ से आपके पास क्या आएगा बच्चों वन बाई टू लॉग वी आएगा, है ना, लॉग वी में अब मैं लिमिट भी डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, अपर लिमिट पुट करोगे तो वन फिर माइनस लॉग ये वाली लिमिट पुट करोगे वन प्लस टी वन स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व, ये आने के बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट टी वन
टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर वन बाई टू लोग वन जीरो, तो ये वैल्यू आ गई जीरो, और फिर यहाँ से माइनस लोग वन प्लस टी वन स्क्वेयर, ये आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी स्क्वेयर, है ना, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वेयर करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस भी तो है बाद, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से लिख दो वन बाई टू माइनस लोग इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और अगर इन्फिनिटी आ जाए आपका, अगर फाइनाइट नंबर ना आए जब आप सोल्व करते हो तो फाइनाइट नंबर आता तो फिर उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट हो जाता, और क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट आया माइनस इन्फिनिटी आया है तो इस केस में जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट आ गया, ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकेंड केस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का सेकेंड केस इस तरह से आ गया समझ। हम इसी का थर्ड केस डिस्कस करेंगे, थर्ड केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थर्ड केस में क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट केस में तो हमने ये लिया जब आपकी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, सेकंड केस में हमने लिया जब आपकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, तो थर्ड केस में क्या आएगा जब आपकी दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हो, ये आएगा थर्ड केस, तो इस केस में हम क्या करेंगे जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लेंगे फाइनाइट सी, ठीक है, वो नंबर हमें इस तरह से लेना है कि हम इसको इजिली सोल्व कर पाए, तो इसको ब्रेक कर लिया हमने सी माइनस इन्फिनिटी टू सी और फिर सी टू इन्फिनिटी, इसमें ब्रेक कर लिया। अब एक बात बता दो, सी इन दोनों मतलब बीच का ही नंबर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब ये जो है अगर मैं इसको सिर्फ इस वाले को देखूं तो ये तो सेकंड केस है ना इसका, और सिर्फ इसको देखें तो हम ये फर्स्ट केस है हमारा, है ना, तो बस आगे तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा, ये सेकंड केस की तरह है और ये फर्स्ट केस की तरह है, लगा भी दो यहाँ पर, अभी मैंने बताया आपको क्या करेंगे हम लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और इसको चेंज करेंगे टी वन टू सी एफ डी एक्स, यही आएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पे क्या लिमिट लिमिट लगाएंगे बेटा, यहाँ पर लिमिट लगेगी लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर आप सी टू टी टू और एफ डी एक्स, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर तो टी वन जो है वो सी से लेस देन इक्वल टू है और टी टू जो है वो सी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कुल मिला के जो सी ये इक्वालिटी आएगी ना आपकी, ये देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के तीन केस ही थे बच्चों। फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस था हमारे पास अगर ये हो जाए, ये था फर्स्ट केस, ठीक है, सेकेंड केस था अभी करवाया है सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स, ये सेकेंड केस था और ये थर्ड केस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में ये होता है आपका कि जो इंटीग्रेंड है ना एफ वो तो बाउंडेड रहेगा, ठीक है, पूरे इंटरवल पे, और जो आपका लिमिट है या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी या अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी या फिर दोनों ही लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है, तो तीन केस बन रहे हैं अलग अलग। फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास जिसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे इस इन्फिनिटी को चेंज कर देंगे टी से और फिर लिमिट लगा देंगे टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और उसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रेशन आएगा वो 11, 12 का क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और बस सिर्फ तो लिमिट लगानी है, आपको लिमिट लगानी भी आती है, ठीक है। उसके बाद ये किया है अभी हमने, इसमें क्या करते हैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है हमें, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको टी वन पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर लिमिट लगा देंगे टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी,
ठीक है, उसके बाद वही चीज जो इंटीग्रेशन बन गया वो 11 12 का बन गया, और उसके बाद आप उसको सोल्व करके लिमिट लगा दो t1 tends to माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद थर्ड केस ये है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आ जाए आपका, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर लो, c ऐसा नंबर ले लो जिसको सोल्व करना आपके लिए आसान रहे, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया माइनस इन्फिनिटी टू सी और फिर सी टू इन्फिनिटी, कर सकते हैं ब्रेक, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बना है ये सेकंड केस बन गया जो अभी डिस्कस किया था ये वाला, और ये आपका फर्स्ट केस बन गया, ठीक है। तो आप कर दो अभी इनको सोल्व, ये तो जो अभी करवाया था मैंने वही लगा दिया, और ये जो फर्स्ट केस करवाया था वो उसके बाद यहाँ इसको सोल्व करना 11 12th का काम है, इसको सोल्व करना भी 11 12th का काम है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करना। आप 11 12th में भी सीख के आए हो, नहीं तो एडवांस कैलकुलस का थर्ड चैप्टर भी आपने किया है, ठीक है। ये था आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एक चीज लिख रही हूँ बच्चों में, आप करके दिखाना सोल्व, ये है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये है। 2 मिनट का टाइम है, एक बार इसको सोल्व करके दिखाओ।